क्या है? भू आकृतिक प्रक्रम। आप बताएं। हाँ बहुत अच्छा जवाब है। सी बेबी। बैठ जाइए। ये सब बताए हैं आप, बताए कि नहीं? गलती कहाँ है? रिवीजन नहीं होती। आप ही लोग मुझे बताइएगा कि हम बताए हैं या नहीं। बताए हैं ना, तो फैकल्टी को दोष दे देंगे कि सर बताए नहीं ठीक से या समझ में नहीं आया। हम पढ़ा चुके हैं, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम नहीं बताए हैं, क्योंकि शब्द पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शब्द समझ में आ जाएगी तो लगभग उसका आधा चीज कंप्लीट हो जाता है। तो भू आकृतिक कारक जो है, और कारक एजेंट से भी आप कह सकते हैं कि एजेंट का क्या काम है? अभिकर्ता होता है। एजेंट का क्या करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, ये काम करने वाला होता है, तो ये काम करने वाला होगा। और भू आकृति मतलब पृथ्वी से रिलेटेड उसकी आकृति को या स्थलाकृति के निर्माण में इसका अहम योगदान होगा। होगा कि नहीं होगा? पहाड़ बनना है, पर्वत बनना है, झील बनना है, नदी बनना है, या फिर और कुछ बनना हो। भू आकृति, भू आकृति मतलब टोपोग्राफी जो है, स्थलाकृति जो है, स्थल की जो आकृति बनने वाला होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि नहीं करेगा? भू आकृतिक प्रक्रम, सॉरी, भू आकृतिक कारक। और ये भू आकृतिक कारक यही भू रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? भू आकृतिक प्रक्रम के लिए। और भू आकृतिक प्रक्रम मतलब होता है उसका किस तरह का काम। जैसे उदाहरण देते हैं, इस चीज को समझिए। कहाँ से स्लाइड होता था? उसको ए वाला नहीं, ये तो नहीं होगा। ये डबल क्लिक कर हाँ, सबसे पहले शब्द समझिए। भूआकृतिक कारक और भूआकृतिक प्रक्रम, हम पांच प्रकार के भूआकृतिक कारक लिखाए हैं, मतलब ज्योमोर्फिक एजेंट लिखाए हैं, लिखा है ना, फर्स्ट क्लास में ही। बीच में भी चर्चा होती रही। तो ये क्या था? बहता जल था ना, रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जल है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या था? रनिंग वाटर था। दूसरा क्या था? अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। तीसरा क्या था? हिमानी, है ना, रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर। समुद्री लहरें, ये लिखवाए हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के बीच में भी चर्चा होती रही है। इसको क्या कहते हैं? भूआकृतिक कारक। यही पांच क्या है? ये
ये फाइव भू आकृतिक कारक है, और कारक का मतलब ये कारण है, मतलब ये काम करने वाला है, ये करता है, क्या है, काम करने वाला है, करता है, और किस रूप में ये काम करता है, जैसे बहता जल, उदाहरण लेते हैं, समझे चीज को, तो बहता जल का काम क्या हो सकता है, अगर पानी सरफेस वाटर जो है ऊपर से बह रही है तो क्या क्या कर सकता है, पहले चीजें जहां से ये गुजरेगा पानी, जिस सरफेस एरिया से ये गुजरेगा वहां की मिट्टी को घोल देगा, घोलेगा या नहीं, घोलेगा ना, तो ये घोलन क्रिया जो है इसी को कहते हैं प्रक्रम, क्या कहते हैं, ये तो कारक था, अब वाहता जल जो है ये तो क्या था, कारक, पहला तो कारण बन रहा है, ये काम करने वाला है, और दूसरा क्या है, ये करता क्या है, कौन सा काम करता है, तो भूआकृतिक प्रक्रम, इसका काम प्रोसेस क्या क्या है, तो पहला तो घोलीकरण होगा ना, घोलने का काम ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, दूसरी बात मान लिया ये सरफेस एरिया है, यहां से पानी या नदी गुजर रही है, यहाँ की मिट्टी को घोल देगा, ये घोलेगा कि नहीं घोलेगा, तो सॉल्यूशन इसका कार्य होगा प्रक्रम जिसको कहेंगे, दूसरी बात ये और क्या कर सकता है, जब ये सरफेस पे टकराएगा पानी, जब चलेगी तो टकराएगा ना कहीं कहीं से, तो घर्षण का काम भी होगा इसका, एट्रिशन होगा इसका, शनि घर्षण होगा, एक दूसरे के अणु आपस में टकराएंगे चलने के प्रक्रम में, तो उसको क्या कहेंगे, प्रक्रम कहेंगे, कहेंगे ना, कारक हो गया, कारक हो गया जल, और प्रक्रम क्या हो सकता है इसका, घोल देगा कहीं जा करके, घर्षण हो सकता है इसका, होगा ना, और क्या कारण, और क्या हो सकता है इसका, ट्रांसपोर्ट करेगा, ये मान ले किसी चीज को जब घोल दिया है, घुल गया वहां की चीजें, उसको बहा करके ले चला जाएगा, बाढ़ जब आती है तो क्या होता है, किसी का घर हो, जानवर हो, बगीचा हो, उखाड़ उखाड़ करके सब लेकर के चला जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब परिवहन कर लेता है अपने साथ, वो करता है कि नहीं करता है, तो नदी का जो रनिंग वाटर था वो जो मॉर्फिक एजेंट होगी, भूआकृतिक कारक हो गया, और उसका जो काम करने वाला है, प्रोसेस जो है, तरीका है, वो क्या हो गया, प्रक्रम हो गया, ठीक है, लाइट कट गई है, बैकअप नहीं रखता इसका, वो तो डिलीट हो गया गोस।